गवर्नमेंट बजट। मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट बजट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। अब कैपिटल बजट होगा और रेवेन्यू और बजट होगा, तो बजट है तो ऑब्वियसली इसके रिसिप्ट भी होंगे और इसके एक्सपेंडिचर्स भी होंगे। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होते हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल बजट है तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट है तो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब हमारी रिसिप्ट्स की बात हो तो ये होती है हमारी टोटल रिसिप्ट यानी कि बजटेड रिसिप्ट्स, और जब एक्सपेंडिचर की बात हो तो ये हमारे बजटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमने जो हमारा रेवेन्यू बजट था ये ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, रेवेन्यू बजट सॉरी हमने बजटेड रिसिप्ट्स को कवर कर लिया, चाहे उसमें कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट। एक बार दो मिनट लगेंगे, रिवाइज करते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी रिसिप्ट्स होती हैं जो नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमने लिखा था क्रिएट लायबिलिटी और रिडक्शन इन एसेट्स, इन दोनों कंडीशन के आगे हमने क्रॉस लगा दिया था, तो ये क्या बचा, क्या बना था हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब एनी रिसिप्ट, कोई भी जो पैसा आ रहा है अगर उससे ना तो लायबिलिटी क्रिएट हो और ना ही एसेट में रिडक्शन हो, उस रिसिप्ट को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर ये दोनों कंडीशन ओके हो जाए, परफेक्ट हो जाए, तो ये बन जाती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि एनी रिसिप्ट विल बी अ कैपिटल रिसिप्ट इफ इट क्रिएट्स अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था रेवेन्यू रिसिप्ट फर्दर दो तरह का होता है, टैक्स रिसिप्ट नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट फर्दर दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट इन टोटल देयर आर 9 टाइप्स, जिसमें हमने सारे पढ़े थे इंटरेस्ट और फाइंस पेनल्टी फॉरफीचर शीट स्पेशल असेसमेंट, ठीक है, सब पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट अभी बता दिया, विच आइदर क्रिएट लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये तीन तरीके, इसकी तीन सोर्सेस थी, बोरोइंग्स और दूसरा रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, और डिसइन्वेस्टमेंट और अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स में आ रहे थे डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स, ठीक है। चैप्टर जिसने रिवाइज नहीं किया बाद में मत कहना कि गवर्नमेंट बजट याद नहीं हो रहा, इसका इंपॉर्टेंट बता दो, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर पूरी यूनिट कवर करता है। हमारा जो सिलेबस है वो यूनिट वाइज चलता है, पहली यूनिट में चार चैप्टर है यानी कि चारों करने पड़ेंगे तब एक चैप्टर खत्म हो रहा है, ये पूरा चैप्टर ही एक यूनिट है, ठीक है। तो ये अपने आप में 8 से 10 नंबर की वेटेज रखता है, अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट, अब हमने स्टार्ट करना है बजटेड रिसिप्ट्स हो गई, अब हम स्टार्ट करेंगे बजटेड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो खर्चे हो हमारे। अब देखो खर्चे जब होंगे तो ये कंडीशन रिवर्स कर रहा हूं, ध्यान से समझना, क्रिएट एसेट्स रिवर्स हो गई, क्रिएट लायबिलिटी की मतलब क्रिएट एसेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटी, ठीक है। हमारे जो एक्सपेंडिचर है अभी हमने पढ़े दो तरह के, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर दोनों कंडीशन के आगे क्रॉस लग गया तो ये बन जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहां पे भी क्रॉस में रेवेन्यू था, यहां पे भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि डेफिनेशन क्या हुई, एनी एक्सपेंडिचर विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इफ इट नाइदर क्रिएट द एसेट्स नॉर कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी गवर्नमेंट, नॉर कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान से समझना, गवर्नमेंट ने रूटीन में कोई खर्चा किया, रूटीन में कोई खर्चा किया लाइक गवर्नमेंट ने सैलरी बांटी, क्या उस, पहली बात तो सैलरी बांटी वो खर्चा है गवर्नमेंट के लिए? हाँ भैया है। उस खर्चे से क्या गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हो रहा है? ना भैया। क्या लायबिलिटी में कोई रिडक्शन आ रहा है? नहीं, ना भी नहीं आ रहा। बेटा कुछ बच्चे कह देते हैं लायबिलिटी में रिडक्शन आ रहा है, मैं अगर किसी की सैलरी दे रहा हूँ वो मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी तो तब बने जब वो आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाए,
थोड़ी तो अकाउंट्स पड़ी रहे हो, सैलरी पेएबल हो जाए तब लायबिलिटी बनती है, अदरवाइज सैलरी इज नॉट अ लायबिलिटी. सैलरी इज अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर, वो खर्चा है, तो उससे ना तो एसेट क्रिएट हो रहा है ना ही लायबिलिटी में रिडक्शन हो रही है, देयरफॉर इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. समझ आ गया? चलो पहले इसे ही पढ़ते हैं फिर आगे देखेंगे. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट नॉर कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. अच्छा अब ये बताओ, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे ये रूटीन के खर्चे होंगे या नॉन रूटीन होंगे? रूटीन के खर्चे होंगे. देयरफॉर इट इज रिकरिंग इन नेचर. देखो क्या लिखा है, इट इज रिकरिंग इन नेचर. इट सेकंड पॉइंट, इट इज इनकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रोविजन ऑफ वेरियस, यानी कि नॉर्मल रूटीन में जो खर्चे हो रहे हैं वो सब यहाँ पे कवर होते हैं. एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ सैलरी पेंशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट, any expenditure is a revenue expenditure if it satisfy following two essential condition. कह रहे कोई जब वो कोई भी खर्चा capital expenditure revenue expenditure तब होगा जब वो ये दो condition satisfy करेगा. पहली condition लिखते हैं, an expenditure must not create asset of the government. government के लिए asset create नहीं करना चाहिए. For example, payment of salary or pension is a revenue expenditure as it does not create any assets. However, construction of a metro station, उसके construction में खर्चा हुआ, खर्चा तो हुआ, expenditure तो है, क्या उससे कोई asset create हो रहा है? Yes, metro station बहुत बड़ा asset बन रहा है जिससे पैसा कमाने वाली government. तो वो जो खर्चा होगा metro station बनाने में वो हमारा revenue expenditure नहीं होगा, वो capital expenditure cover हो जाएगा. ठीक है, पढ़ते हैं आगे. The expenditure must not cause डिक्रीज इन लाइबिलिटी. आपकी लाइबिलिटी में भी कोई डिक्रीज नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमने किसी का लोन रीपे करा, खर्चा है, पैसा जा रहा है तो खर्चा तो है. अब खर्चा है, क्या उससे कोई लाइबिलिटी कम हो रही है? जो लोन लिया हुआ था उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो वो जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है. देखो क्या लिखते हैं, example, repayment of borrowing is not a revenue expenditure as it leads to reduction in the liability of the government. Clear हो गई बात? Next, capital expenditure इधर देखो क्या होता है, क्या होगा जब ये दोनों condition satisfy हो जाएंगे. यानी कि a capital expenditure is a expenditure which either create asset of the government or cause reduction in the liability of the government. Like अभी पढ़ा, अगर government metro station बना रही है तो उससे गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हो रहा है, देयरफॉर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, पढ़ते हैं देखो क्या लिखा है. अच्छा ये रेगुलरिंग होगा नॉन रेगुलरिंग होगा? नॉन रेगुलर रूटीन में तो नहीं होगा ना ये. देखो क्या लिखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर व्हिच आइदर क्रिएट्स एन एसेट और कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. फुल स्टॉप. इट इज नॉन रेगुलरिंग इन नेचर. कैसा है नेचर में? नॉन रेगुलरिंग. नंबर 2, इट adds to the capital stock of the economy. कह रहे इससे economy का capital stock यानी कि assets बढ़ जाएंगे and increases the productivity through expenditure on long period development programs. कह रहे एक तो क्या बढ़ेगी, economy की growth होगी और दूसरा productivity भी बढ़ेगी. और फिर इसके example नीचे देखो, an expenditure is a capital expenditure if it satisfy any of the two following condition. पहली condition वही से same, must create an asset of the metro station वाला example the next page पे. An expenditure must cause a decrease in liability. यानी कि liability में reduction आना भी जरूरी है. For example, repayment of borrowing जो अभी बताया था, जब आप loan को repay करेंगे. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहला तो मीनिंग, ये हो गया मीनिंग सामने आपके. नंबर 2, पर्पस, वो रूटीन के लिए बनाया जाता है, रेकरिंग इन नेचर है और वो नॉन रेकरिंग, ये थर्ड वाला पॉइंट है. ये नेचर हो गया रेकरिंग और नॉन रेकरिंग. पर्पस, वो नॉर्मल रूटीन के लिए बनाया जाता है और वो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए नहीं, वो किस लिए बनाया जाता है, एसेट्स क्रिएट करने के लिए, लायबिलिटी कम करने के लिए. और फिर एग्जांपल्स.
ठीक है। नीचे ये जो एक एक नंबर के बेटा ये 13 पॉइंट दिए हैं, बार बार बोल रहा हूँ, हर टॉपिक के बाद ये 12-13 पॉइंट दिए हुए हैं। कौन सा खर्चा या कौन से रिसिप्ट रेवेन्यू है या कैपिटल है, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। एक एक नंबर वाले जो वो आने हैं एमसी के, उसमें जरूर आएगा ये। लाइक मैंने लिख दिया रेंट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑप्शन सुनो, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चारों ऑप्शन तो तैयार है। रेंट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, रेंट रिसीव्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जीरो, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। हाँ भैया रुक जाओ, उसमें अब देखो फर्दर उसको तंग करूं, अगर आपको रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स में आ गई है, उसमें लिखा नहीं था रेंट रिसिप्ट। हाँ तो बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये पढ़ने पड़ेंगे, मजाक में ले रहे हो चैप्टर को। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, गवर्नमेंट का डेफिसिट निकालने के तरीके। बेटा पहले तो मुझे बताओ डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब ज्यादा इनकम ज्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो, या एक्सपेंडिचर ज्यादा हो इनकम कम हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो इनकम कम हो, खर्चे ज्यादा अर्निंग कम हो, दैट इज डेफिसिट। अब हमें पढ़ा रहे हैं ये गवर्नमेंट डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स हैं वो कम होंगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तभी तो डेफिसिट आएगा। देखो क्या लिखते हैं, बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। अब वो कह रहे हैं डेफिसिट तीन तरह का होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ध्यान से समझना, तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं फिस्कल डेफिसिट के, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी बनता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे टॉपिक को। सबसे पहला हमारा है रेवेन्यू डेफिसिट, वहां नहीं पढ़ते, अभी मेरी बात सुनो, समझ आ जाएगा, दो मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपने मुझे भी बताया सर डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जब हमारे खर्चे ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो। ठीक है, ये बताया आपने। अब हमने पढ़ना है रेवेन्यू डेफिसिट, अभी पढ़ा रेवेन्यू, रेवेन्यू बजट पढ़ा ना, रेवेन्यू एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू रिसिप्ट कम हो तो जो डेफिसिट आएगा उसे रेवेन्यू डेफिसिट बोल देंगे, क्योंकि डेफिसिट का मतलब तो क्या हो गया कमी, यानी खर्चे ज्यादा कमाई कम, और रेवेन्यू डेफिसिट पड़ रहे हैं तो कौन से खर्चे ज्यादा, रेवेन्यू में खर्चे, रेवेन्यू क्या बताया था, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रूटीन, अगर आपके रूटीन के खर्चे ज्यादा हैं और रूटीन की कमाइयां कम है तो आपका जो डेफिसिट आएगा दैट विल बी द रेवेन्यू डेफिसिट। और रेवेन्यू डेफिसिट से क्या नुकसान होगा हमारा, इसका मतलब है कि हम रूटीन के खर्चे नहीं निकाल पा रहे ढंग से, और रूटीन के खर्चे ना निकाल पाने का कारण कि अब क्या होगा, उससे मुझे बोरोइंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जिससे मैं क्या करूंगा, मैं इंटरेस्ट के ट्रैप में फंसता चला जाऊंगा। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है, रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न्ड विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इस चीज से रिलेटेड है रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक साल के अंदर अंदर कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से। इसका फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, इंप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, इससे क्या होगा, इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, इन एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज्ड बजट। इससे क्या शो होता है कि वो अपने रेगुलर और रूटीन के खर्चे पूरे कर पा रहे नहीं कर पा रहे। इन एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एनेबल नहीं है अपने रेवेन्यू के खर्चे निकालने के लिए, रूटीन के खर्चे निकालने के लिए। नंबर टू, इट इंप्लाइज गवर्नमेंट इज सेविंग, वो क्या करेगी, कंजम्पशन पूरी करने के लिए पुरानी सेविंग को यूज करना शुरू कर देंगे। द गवर्नमेंट इज यूजिंग सेविंग ऑफ द अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंस द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो ये बात तो हमने पढ़ ली कि हम डिस सेविंग करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया मेरे पास, रेवेन्यू में कमी आ गई रूटीन की, तो मैं पैसे पूरे करने के लिए क्या कैपिटल रिसिप्ट यूज नहीं करूंगा,
समझ रहे हो बात को, मेरे रूटीन के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, क्यों? मैंने रूटीन के रिसिप्ट और रूटीन के एक्सपेंडिचर को एडजस्ट कर लिया, कमी आ रही, यानी कि मुझे और कंजम्पशन करनी है, मैं कहां से करूंगा? कैपिटल रिसिप्ट से दूसरी रिसिप्ट तो बचती नहीं मेरे पास, ही तो खत्म हो गई। अब कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है, मैं अपने एसेट बेचने शुरू करूंगा या अपनी जो सेविंग थी उसको यूज करूंगा, यानी कि ये बहुत बड़ा खतरा है। कब तक सेविंग पुरानी यूज कर लोगे, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। आगे देखो क्या लिखता है थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट। ये कमी कहां से पूरी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, दैट इज थ्रू बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट, या तो लोन ले लेंगे या अपने एसेट बेचने शुरू कर देंगे। नंबर थ्री, use of capital receipt for meeting the extra consumption expenditure leads to inflationary situation in the economy. इससे क्या होगा, महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इकॉनमी महंगी होती चली जाएगी। नेक्स्ट, अ हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट आइदर टू कर्टेल द एक्सपेंडिचर और इंक्रीज द रेवेन्यू। कह रहे ये वार्निंग देता है कि या तो अपने खर्चे कम कर लो या अपने रेवेन्यू बढ़ा, वरना आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, मेजर्स टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट, कह रहे जो रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं? अभी तो बताया कि या तो खर्चे कम कर लो या फिर रेवेन्यू बढ़ा लो। बेटा इसने कहा कि सर वो कैपिटल रिसिप्ट से, कैपिटल रिसिप्ट तो मजबूरी हो गई एक दो बार के लिए, सारे टाइम तो नहीं चल सकता ऐसा जी, तो हमें उसको कवर करने के लिए या तो अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे या अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। देखो ये लिखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को खत्म करो। नंबर टू, इंक्रीज द रेवेन्यू, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द रिसिप्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यू, वो बढ़ाओ तभी आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट, चलो कर कितनी देर के, एक मिनट कितनी देर के, 17 मिनट के अभी पढ़ेंगे। फिस्कल डेफिसिट, हाँ कोई बात नहीं, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, कौन से एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यहां से समझना, मैंने अब सिर्फ रेवेन्यू एस्पेक्ट में लिया, मैंने कहा टोटल खर्चे ज्यादा हैं और टोटल रिसिप्ट कम है, उसमें से बोरिंग हटा देना। क्यों, ध्यान से समझना, मेरी जो रिसिप्ट थी, दो रिसिप्ट थी ना, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, जो मेरी कैपिटल रिसिप्ट थी इसमें क्या आ रहा था, बोरिंग भी आ रही थी जी भैया, मैं बोरो भी कर रहा था क्योंकि मैंने कहा था जब पैसा आ रहा है वो रिसिप्ट है, चाहे वो कहीं से आए, मैंने कहीं से लोन लिया वो भी रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है। अब बताओ जो मैं बोरो कर रहा हूँ वो मेरी रिसिप्ट है, मान लिया, क्या वो रिसिप्ट मेरे डेफिसिट में काउंट होनी चाहिए? मतलब मैं कह रहा हूँ मेरी टोटल कमाई इतनी है, टोटल खर्चे इतने हैं, खर्चे ज्यादा है कमाई कम है, और उस कमाई में भी अगर मैं बोरिंग ले लू फिर तो मेरे पास कुछ ही नहीं है। मतलब ध्यान से समझना, मेरे खर्चे हैं 50,000 के एक्सपेंडिचर और मेरी रिसिप्ट है 45,000 की, जिसमें से 10,000 की तो बोरोइंग है, यानी कि मेरी रिसिप्ट कितनी है, 35,000, यानी कि इसमें से मुझे अगर रियल सिचुएशन देखनी है तो भाई अपना लोन हटाओ, वो आपकी रिसिप्ट थोड़ी है, वो तो और आपकी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, वो भी खर्चा ही है आने वाले टाइम का। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। अब सोचो ये क्या शो करता है कि मेरे खर्चे ज्यादा हैं, मेरी इनकम कम है, जितनी कमी है मैं कहां से पूरी कर पाऊंगा, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि मैंने टोटल रिसिप्ट ले ली इसमें, टोटल एक्सपेंडिचर ले ली, टोटल रिसिप्ट ले ली, सिर्फ रिसिप्ट में क्या छोड़ा था, बोरिंग, तो मुझे बोरिंग करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। यानी कि फिस्कल डेफिसिट शोज हाउ मच ऑफ द बोरिंग गवर्नमेंट हैज टू बी मेड,
टू मीट अप देयर एक्सपेंडिचर. अपने खर्चे पूरे करने के लिए इतनी तो बोरिंग करनी ही पड़ेगी. और बोरिंग गवर्नमेंट किससे करती है? आरबीआई से, फॉरेन गवर्नमेंट से. और आरबीआई से अगर बोरो करती है तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई आपको न्यू करेंसी प्रिंट करके देगी. और न्यू करेंसी अगर प्रिंट करके दे रही है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी जिससे इन्फ्लेशन क्रिएट होगा. और इन्फ्लेशन के साथ साथ आप जब बोरो कर रहे हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. आप डेट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे क्योंकि अगली बार फिर से आप 50 कमाने वाले हैं, फिर से आपके सॉरी कमाने 35 वाले हैं, खर्चे फिर 50 होने वाले हैं, 15 का फिर गैप होगा. पहले तो पुराना ब्याज उतारो, नया लोन और ले लो, तो आप किस में फंसते चले जाएंगे? डेट ट्रैप, डेट के जाल में फंसते चले जाएंगे. पढ़ते हैं इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट. नंबर वन, डेट ट्रैप. फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स दैट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. फिस्कल डेफिसिट का भी बताया क्या शो करता है? टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट. क्यों? टोटल एक्सपेंडिचर ले लिया, टोटल रिसिप्ट ले लिया, क्या छोड़ के? बोरोइंग छोड़ के. तो मेरे को रिसिप्ट का तो लास्ट ऑप्शन बोरोइंग ही बचता है. तो वही तो शो करता है वो. फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. बोरोइंग नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट. कह रहे बोरोइंग से सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं करना आपने, बट ऑल्सो रिक्वायर रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. And interest payment increases the revenue expenditure which leads to revenue deficit. यानी के fiscal deficit से revenue deficit भी generate हो जाएगा क्योंकि आपका interest payment बढ़ेगी, routine के खर्चे बढ़ेंगे, तो revenue deficit भी increase हो जाएगा. Clear? और last में देखो, as a result the country is caught in debt trap. समझ गए? Number two, inflation. इन्फ्लेशन यानी के इकोनॉमी में क्या हो जाएगी? महंगाई भी बढ़ जाएगी. अभी बताया आपको क्यों बढ़ जाएगी. क्या लिखते हैं? द गवर्नमेंट मेनली बोरो फ्रॉम आरबीआई टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट. गवर्नमेंट किससे बोरो करती है? आरबीआई से. अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने आरबीआई क्या करेगा? प्रिंट द न्यू करेंसी टू मीट द फिस्कल डेफिसिट. इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड क्रिएट्स अ इन्फ्लेशनरी प्रेशर. समझ आ गई बात? जी. नंबर थ्री, फॉरेन डिपेंडेंस. भाई देखो, अपनी गवर्नमेंट से, अपने बैंकों से, आरबीआई से मांगे, लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा? फॉरेन गवर्नमेंट. आप जितना बोरो करोगे उतना उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे. आप देखते हैं आज की डेट में अमेरिका किसी भी कंट्री में घुस के कुछ भी कर सकता है. किया उसने, अभी भी किया रिसेंटली, सबने देखा होगा. क्यों? बिकॉज वाई ऐसा क्यों कर सकता है वो? इट इज द ओनली करेंसी दैट हैव गिवन फंडिंग टू ऑल द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. सबको पैसा दिया हुआ तो उसके बर्डन में तो हम दबे रहेंगे. तो ये लिखा है, द गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेजेस इट्स डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज. हम उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे. और लास्ट में क्या लिखा है? हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ. यानी कि हमारे फ्यूचर की ग्रोथ खत्म रहेगी. तो क्या लिखा है? द बोरोइंग इंक्रीजेस द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन. इट एडवर्सली इफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री. हमारे कंट्री की डेवलपमेंट खत्म होने कंफर्म है. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट. पहला मीनिंग खुद करेंगे. इंडिकेशंस क्या इंडिकेट करता है? फिस्कल डेफिसिट कि हमें कितनी बोरोइंग करनी है. और रेवेन्यू डेफिसिट क्या करता है? कि हम रेगुलर खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे. ठीक है बेटा, ठीक. अब देखो सोर्सेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट. यानी कि फिस्कल डेफिसिट अगर हो गया तो हम कहां से पूरा कर सकते हैं उसे? दो ही सोर्स है, या तो बोरोइंग या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग. यानी कि आरबीआई को कहेंगे नई करेंसी प्रिंट कर दो, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग. देखो क्या लिखते हैं, बोरोइंग. द फिस्कल डेफिसिट कैन बी मेड बाय बोरोइंग फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज एज वेल एज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. बोरो कर लो या तो. नंबर टू, डेफिसिट फाइनेंसिंग. द गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटी टू मीट द फिस्कल डेफिसिट. आरबीआई इशू न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पस. दिस प्रोसेस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग. एक पेज बचा प्राइमरी डेफिसिट. कोई बात नहीं, थोड़ा सा बिजनेस कम कर लेंगे, चैप्टर खत्म करते हैं. प्राइमरी डेफिसिट कैपिटल नहीं है. कोई बात नहीं बेटा, बैलेंस कर लेंगे, कल ही को कम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, करते हैं प्राइमरी डेफिसिट. प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना. लास्ट डेफिसिट बचा, न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएंगे. 5 मिनट की कॉन्सेंट्रेशन. प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करेंट ईयर एंड द
इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस ईयर बोरिंग्स प्रीवियस ईयर बोरिंग्स. ध्यान से समझना, कुछ अजीब सी बात बोलते हैं. क्या डिफरेंस शो करता है बिटवीन फिस्कल डेफिसिट और साथ फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स बोरिंग. इधर से मैंने बेटा फिस्कल डेफिसिट ये क्या था पहले मुझे कितनी बोरिंग करनी है बोरिंग करनी है ना पैसे बचाना क्या बोरिंग टोटल एक्सपेंस टोटल एक्सपेंडिचर ओवरऑल टोटल रिसीप्ट टोटल रिसीप्ट. ध्यान से समझना, मेरी कमी आ रही है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट में. अभी मैंने आपको बताया कितनी कमी आ रही है 15000 की. मैंने एग्जांपल दिया था ना जी भैया 15000 की कमी आ रही है. वो कह रहे हैं अगर ये 15000 की जो कमी आ रही है टोटल रिसीप्ट टोटल एक्सपेंडिचर में से इसमें से मैं अपनी पुरानी बोरोइंग का अगर इंटरेस्ट हटा दूं. अच्छा, क्योंकि मैंने टोटल एक्सपेंडिचर लिए. टोटल एक्सपेंडिचर मतलब इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर भी लिया होगा पुरानी वाला जी भैया. ठीक है, अगर मैं इसमें से पुराने लोन का खर्चा हटा दूं तो पता लगेगा कि मेरा अभी कितनी कमी रह गई. मान लो पिछला इंटरेस्ट जो मैं पे कर रहा हूं वो है 9000, यानी कि मेरी एक्चुअल कमी कितनी है सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपए की कमी है. इसका मतलब मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना बेसिकली वो 41000 का है. ध्यान से समझना इस बात को, 41000 का जो करंट खर्चा है 9000 रुपए तो पुराने जो कर्म कांड किए हुए उसके पैसे देने. सीधी बात है, ठीक है. 9000 रुपए किसके देने मैंने पुराने. अगर वो पुराने ना होते तो मेरा एक्चुअल प्राइमरी सबसे पहली कमी क्या पड़ रही है सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपए की, या 6000 करोड़ की अगर गवर्नमेंट के हिसाब से सोचे. अब ये एक्चुअल में ये प्राइमरी डेफिसिट है. अब ध्यान से समझना, प्राइमरी डेफिसिट से जनरेट होगा फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट 6000 का है लेकिन पुराना भी चुकाना पड़ेगा जी भैया. उससे फिस्कल जनरेट हुआ और फिस्कल से अभी पड़ा क्या जनरेट हुआ था रेवेन्यू डेफिसिट. यानी कि तीनों रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं. सबसे पहला डेफिसिट नाम ही लिखा है प्राइमरी डेफिसिट, जो रीसेंट की कमी है हमारी. अब पढ़ो इसकी डेफिनेशन को. प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस ईयर. ठीक है, देखो क्या लिखते हैं, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. इंप्लीकेशन इससे क्या होगा, इट इंडिकेट्स how much of the government borrowings are going to meet the expenses other than interest payments. ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं, कह रहे जो हमने बोरो किया गवर्नमेंट ने, सपोज बोरो किया 15000 जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, 15000 में से करंट एक्सपेंडिचर कितना निकाल पा रहे हो वो शो करता है प्राइमरी डेफिसिट. करंट करंट का खर्चा कितना निकाल पा रहे, क्योंकि करंट का खर्चा तो हमारा सिर्फ 6000 है ना जी. तो यही शो कर रहा है वो. उन्होंने भी ये लिखा, दोबारा से पढ़ो इस लाइन को. इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग जो गवर्नमेंट ने बोरो किया आर गोइंग टू मीट द एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट. इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा कितना खर्चा निकाल पा रहे हो. द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग्स मेड इन द पास्ट. अगर बना रहे इंग्लिश में लिख के देखो क्या है. फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बताना जरा मुझे, क्या था टोटल बोरोइंग ना फिस्कल, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट का. अभी डिफरेंशियल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. इंटरेस्ट पेमेंट मुझे ये निकालना है, इंटरेस्ट पेमेंट निकालना है. इसको इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा. तो इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस प्राइमरी डेफिसिट. यही तो लिखा है इंग्लिश में, पढ़ो. द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट shows the amount of interest payment on borrowing. यही तो बता रहे हो भी, ठीक है. अब समझ आए लाइन क्या कर रहे हैं. आगे देखो लिखा क्या लिखते हैं. So a low or zero primary deficit indicate that interest commitment have forced the government to borrow. ध्यान से बात समझना, कह रहे अगर
प्राइमरी डेफिसिट जितना कम होगा या जीरो होगा, इससे हमें पता लगता है कि हमारी पास्ट की बोरोइंग की वजह, पास्ट के लोन की वजह से बोरोइंग करनी पड़ रही है। देखो अगर मैं कहूं कि फिस्कल डेफिसिट मेरा, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट 2000 आ रहा है, मैं बोरो कर रहा हूं 15000, यानी कि मेरी अभी कमी तो 2000 की है, बाकी 13000 रुपए क्या है पुराना इंटरेस्ट। तो वो भी तो यही कह रहे हैं, कह रहे हैं प्राइमरी डेफिसिट जितना कम होगा वो शो करता है कि हमारी पुरानी बोरोइंग्स कितनी ज्यादा है। समझ आएगी? ठीक, देखो आगे क्या लिखते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट, मैंने आपको बताया प्राइमरी से जनरेट हो रहा है फिस्कल, और फिस्कल से जनरेट हो रहा है रेवेन्यू डेफिसिट। क्यों? फिस्कल में आपको बोरो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगी, इंटरेस्ट पेमेंट मतलब रूटीन के खर्चे, उससे जनरेट हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट हैव कंसिडरेबली इंक्रीज इन रीसेंट ईयर्स, कह रहे हैं इंडिया में रीसेंट ईयर्स में हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। High interest payment on past borrowing have greatly increased the fiscal deficit. इस वजह से हमारा fiscal deficit बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और to reduce the fiscal deficit, interest payment should be reduced through repayment of loan as early as possible. कह रहे सबसे पहले हमें अपनी borrowing को चुकाना पड़ेगा, जिससे interest की payment कम होगी तो primary deficit कम होगा, primary कम होगा तो हम revenue को reduce कर पाएंगे, और sorry fiscal को reduce कर पाएंगे, और fiscal से revenue confusion चल रही है। आपने कहा कि सर मैंने जब बोरिंग ली ही नहीं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं, मैंने अब नहीं ली ना, जो खड़ी भी वही तो दिक्कत है हमारे लिए। यही कह रहे हैं कि प्राइमरी डेफिसिट किस वजह से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट बोरिंग की वजह से आ रहा है, और अगर वो पास बोरिंग को चुका दिया जाए तो क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगी, प्राइमरी डेफिसिट कम, प्राइमरी डेफिसिट कम, फिस्कल डेफिसिट कम, और रेवेन्यू डेफिसिट अपने आप कम एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? जी। चलो इसका फॉर्मूला देंगे, क्वेश्चन देखते हैं नीचे। देखो इस तरह का क्वेश्चन नहीं है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये पूरा डेटा दे दिया, कैलकुलेट क्या करना है हमें, तीनों डेफिसिट निकालने हैं, कौन कौन से, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। चेक करना आपको डेटा में अवेलेबल है रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों भैया, ध्यान से देखना। रेवेन्यू रिसीट्स तो नहीं है, हां रेवेन्यू रिसीट्स है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ध्यान से देखो, नीचे एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर के अंदर देखो रेवेन्यू अकाउंट कैपिटल अकाउंट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होंगी ये, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आ गए कितने 214172, लेकिन उसमें लिख दिया कि हमारे पास इसमें इंटरेस्ट है, हमारे को तो इंटरेस्ट अलग करना ही नहीं ना, रेवेन्यू में तो टोटल आते हैं, टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा ये एक्सपेंडिचर है ना, ये तो पुरानी हो गई सर, पहले सुन ले, पुरानी है यार, क्या कर रहे, नॉन प्लान्ड और प्लान्ड उधर शेयर कर रहे हैं यार। देखो क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट, टोटल एक्सपेंडिचर में ऑन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू और ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया, रेवेन्यू रिसीप्ट आ गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। मिल गया बेटा? नेक्स्ट हमें निकालना है फिस्कल डेफिसिट, क्या फॉर्मूला था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ है 244221 माइनस टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट दे रखी है हमें 244221 इसमें से बोरोइंग हटाओ 624276, ये माइनस करने के बाद जो आएगा उसे उसमें से माइनस कर देंगे आ जाएगा, और लास्ट क्या बचता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। टीचर ने कोई इंटरेस्ट पेमेंट ब्रैकेट में दी हुई थी जी भैया, मिल गया बेटा? हां भैया, फिस्कल डेफिसिट ऊपर निकाल लेते हैं। क्लियर हो गई बात? आ जाएगा, हो जाएंगे क्वेश्चन। चलो चैप्टर ओवर, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।